Assalamu alaikum aspirants. In this video we will discuss the British history past paper 2021 और इस पेपर के तमाम questions को हम one by one discuss करेंगे और section A में हम first question देखते हैं कि what were the political and ideological differences among non-jurists, high chairmen and legitudinarians. So 17th and 18th century England various factors emerged within the church of England, each with distinct political and ideological beliefs. So the non-Jews, high chairmen, and latitudinarians represented different perspectives on theology, governance, and relationships between church and the state. यानी 17th और 18th century के England में Church of England के अंदर मुख्तलिफ गिरोह उभर कर सामने आए जिनके सियासी और नजरियाती अकायद में काफी वाज़े फर्क था. ठीक है, non-Jews थे, high chairmen थे और latitudinarians के ख्याल थे. तो ये ख्यालात जज रियासत हुकूमती अमूर के ऊपर मुख्तलिफ नुक्ते नजर की नुमाइंदगी करते थे, मुख्तलिफ नुक्ते नजर को ये रिप्रेजेंट करते थे. सो सबसे पहले हम देखते हैं नॉन ज्यूज के बारे में कि ये कौन थे और उनका बैकग्राउंड देखते हैं. तो नॉन ज्यूज वो अफराद थे जो 1688 के ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद विलियम सोम की हुकूमत से वफादारी का हल्फ उठाने से इनकार करते थे और इस इनकलाब के नतीजे में किंग जेम्स सोम को मजूल कर दिया गया था. अब इनके पॉलिटिकल स्टांस की बात करते हैं कि पॉलिटिकल स्टांस इनका क्या था. नॉन ज्यूज बादशाह के जो इलामी हक था यानी डिवाइन राइट ऑफ किंग, इसके ये वकायल थे और जेम्स डोम को जायज हुक्मरान समझते थे. उनके आइडियोलॉजिकल बिलीव्स क्या थे, उनके आइडियोलॉजिकल बिलीव्स में था बादशाह से वफादारी. नॉन ज्यूज ने अपनी वफादारी माजूल बादशाह के साथ जोड़ रखी थी और वो हलफ ना उठाने को यानी हलफ ना उठाना उनके नज़दीक जमीर का मामला था. Then emphasize on tradition. फिर उन्होंने रवायात के ऊपर एम्फसाइज किया. नॉन ज्यूज चर्च की जो रवायती इबादत हैं और रसूम हैं उनको वो ईमान का लाजमी हिस्सा समझते थे. Then impact and legacy. नॉन ज्यूज ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी अलग जमातें बना ली थी जिनकी वजह से उनका जो इन्फ्लुएंस था वो कम होता गया. सो नेक्स्ट हम देखते हैं हाई चेयरमैन ये कौन थे, इनकी डिफाइन करते हैं और उनको इनका बैकग्राउंड देखते हैं. सो ये कौन थे, हाई चेयरमैन जो थे वो एंग्लिकन थे जो चर्च की रवायात को रसूमात को और इसके अलावा यानी जो बिशप से उनके अख्तियार को मजबूत करने के ऊपर ये जोर देते थे. अब इनका पॉलिटिकल स्टांस क्या था, सियासी मौकफ क्या था, कि वो अक्सर बादशाह के हामी थे और इल्हामी जो हक था उसका नजरिया अपनाते थे जो कदमत पसंदाना सोच से मुताबिकत रखता था. इसके अलावा इसमें आइडियोलॉजिकल उनके बिलीफ से नजरियाती अकायद क्या थे, सैक्रामेंटल थियोलॉजी. हाई चेयरमैन प्लेस्ड स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज ऑन द sacraments and importance of the liturgical practices. तो sacramental theology यानी high chairman मुकदसात और इबादती रसूमात को अहमियत देते थे. और उसके बाद bishops authority क्या थी कि वो इस बात के ऊपर जोर देते थे कि चर्च और रियासत जो है ये दोनों मामलात में बिशपों को अहम इख्तियार हासिल होने चाहिए. और उनके influence क्या था, उनके मीरास क्या थी, तो जो इंग्लैंड के चर्च था उनके ऊपर क्या असर था, यानी हाई चेयरमैन ने चर्च ऑफ इंग्लैंड की सिम के ऊपर गहरे असरात मुरतब किए और रोमन कैथोलिक इज्म और प्रोटेस्टेंट इज्म के दरमियान एक दरमियानी रास्ता उन्होंने अपनाया था, मिडल पाथ लिया. देन इसके बाद हम लैटिट्यूडिनेरियंस की बात करते हैं. तो ये कौन थे, ये एक ऐसा गिरोह था जो वसी और यानी शामिल जो नजरियाती नुक्ता नजर है उसको ये फ़रोग देता था और इखलाकियात और अकल को सख्त अकायद के ऊपर फोकिया देता था. इनका पॉलिटिकल स्टांस क्या था, ये जो थे वो आमतौर पर ज़्यादा लिबरल और ज़्यादा यानी बर्दाश्त करने वाले होते थे, चर्च और रियासत की अलहदगी की हमायत करते थे और अक्सर सियासी असलाहत के भी हामी थे. इनके नजरियाती अकायद क्या थे, आइडियोलॉजिकल बिलीफ. तो लैटिट्यूडिनेरियंस जो थे वो ईमान को समझने में अकल और इखलाक के असूलों की अहमियत के ऊपर जोर देते थे और किताब मुकदस की ज़्यादा यानी कि फ्लैक्सीबल जो उसकी इंटरप्रटेशन थी तशरी थी उसके कायल थे. और इसके अलावा उनके जो लैटिट्यूडिनेरियंस थे वो ईमान को समझने में अकल इखलाक के असूलों की अहमियत को तो अहमियत देते थे, इसके अलावा वो ज़्यादा जामे चर्च के हामी थे और बाकी जो मसीह फिरके थे और मजाहब थे उनके साथ वो डायलॉग की हौसला अफजाई करते थे. और उसके बाद उनका इन्फ्लुएंस क्या था, और तो इंग्लिकन ख्याल में तब्दीली आई, यानी लैटिट्यूडिनेरियंस ने इंग्लिकन थियोलॉजी में बर्दाश्त और फिक्री डायलॉग की फिजा को प्रमोट किया. सो नॉन ज्यूज हाई चेयरमैन और लैटिट्यूडिनेरियंस ने चर्च ऑफ इंग्लैंड के अंदर मुख्तलिफ सियासी और नजरियाती नुक्ते नजर की नुमाइंदगी की. नॉन ज्यूज बादशाहत और रवायात की हामी थे और हाई चेयरमैन मुकदसात और कलीसाई इख्तियार के ऊपर जोर देते थे.
जबकि जो यानी लैटिट्यूडेरियंस थे वो अक्ल और शमूलियत को अहमियत देते थे। तो इन ये जो डिफरेंसेस थे, इन इख्तलाफात ने इंग्लैंड में एंग्लिकनिज्म के इर्तका को और चर्च और रियासत के ताल्लुकात को मुतासिर किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट वर द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल काजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्ट ऑफ द यूनियन 1707। 1707 के एक्ट ऑफ यूनियन के सियासी और आइनी असबाब और नतीजे क्या थे। सो इनके असबाब और इनके नतीजे के बात करते हैं। जो यूनियन 1707 का एक्ट ऑफ यूनियन था, ये एक अहम कानून साजी थी जिसके जरिए इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की जो ममलिकतें थी वो मुतहद होकर एक नई ममलिकत बन गई, जिसे ममलिकत बरतानिया उज़्मा कहते थे, यानी किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन इसको कहा जाता था। और ये जो यूनियन थी, इसके सियासी और आइनी नतीजे के ऊपर बड़ी सियासत यानी सतह के ऊपर इसके असरात मुरतब हुए। अब इस एक्ट ऑफ यूनियन जो 1707 का था, इसके पॉलिटिकल काजिज़ क्या थे, सियासी असबाब क्या थे। तो इनमें जानशीनी का बहरान था, स्टुअर्ट खानदान जो था यानी मलका एन के भाई किंग जेम्स जॉन की ताकत ने यानी उनकी वफात ने एक ताकत का खिलाफ पैदा कर दिया था। तो कैथोलिक जानशीनी का खतरा भी पैदा हुआ इससे, क्योंकि बहुत से जो यानी स्काउट्स थे, यानी स्काउट्स जो को बाई तहरीक थी उनकी ये हमायत करते थे, और एक मुतहद बरतानिया को प्रोटेस्टेंट हुकूमत को मजबूत करने का जरिया भी समझा गया। इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या थे, तिजारत और मईशत, यानी इंग्लैंड की मईशत स्कॉटलैंड के मुकाबले में ज़्यादा मुस्तहकम थी, जबकि स्कॉटलैंड के जो मौशी मुश्किल का स्कॉटलैंड को मौशी मुश्किल का सामना था। तो दोनों जो ममलिकतें थी उनका इतिहाद स्कॉटलैंड के लिए तजारती मौक़ों को बढ़ाने के लिए था और मईशत को बेहतर बनाने का एक जरिया था। देन एक्सेस टू मार्केट्स, फिर मंडियों तक रसाई मिली उनको। इस एक्ट के जरिए जो स्कॉटिश ताजर थे उनको इंग्लिश जो मार्केट्स थी यानी इन मार्केट्स तक रसाई मिली, और इसके अलावा दोनों ममालिक के लिए मुआशरती तरक्की के मौके भी पैदा हुए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अंदर यानी तसादुम का खौफ था, या सियासी अदम इस्तेकाम और जगह के जो खदशात थे, खासतौर पर फ्रांस और जैकोबाइन तहरीकों के साथ जो बढ़ती हुई कशीदगी थी, इस कशीदगी ने एक मुतहदा मुहाज़ की ज़रूरत को बढ़ा दिया था। सो इस तरह से एक मजबूत और यकजा हुकूमत फराहम करने का जरिया था जो बैरूनी खतरा से निमट सकती। देन कॉन्स्टिट्यूशनल काजेज़ ऑफ द एक्ट ऑफ द यूनियन 1707 के एक्ट ऑफ यूनियन के आइनी असबाब क्या थे। कानून साजी की अनाएली थी, इसके अंदर हुकूमत के अंदर मुश्किल थी, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की जो अलहदा यानी पार्लिमानी पॉलिसी थी उनकी अमांगी में मुश्किल का ये सामना कर रही थी, ठीक है, खासतौर पर तजारत और दिफा जैसे मामला ने, तो एक मुतहदा पार्लियामेंट हुकूमत को आसान बना देती थी। द नीड फॉर यूनिफाइड लीगल सिस्टम, यकसा कानून निज़ाम की ज़रूरत। तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मुख्तलिफ कानूनी निज़ाम जो थे वो इन कम्प्लिकेशन को की वजह बन रहे थे, जो एक्ट ऑफ यूनियन का मकसद दोनों मुल्कों जो मालिक थे उनके दरमियान एक मरबूत कानूनी निज़ाम बनाना था। अब हम डिस्कस करते हैं कि 1707 एक्ट ऑफ यूनियन के नतायज क्या थे। सियासी इंतजाम में अगर हम देखें तो बरतानिया उज़्मा की तश्कील हुई यानी ग्रेट ब्रिटेन की। इस एक्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर ममलिकत बरतानिया यानी किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की तश्कील की, और एक ही पार्लियामेंट को वेस्ट मिनिस्टर में कायम किया गया था। सो दिस मार्क द एंड ऑफ द स्कॉटिश पार्लियामेंट एंड सॉलिडिफाइड इंग्लैंड डोमिनेंस इन ब्रिटिश पॉलिटिक्स। स्कॉटिश पार्लियामेंट का खात्मा हुआ और इंग्लैंड की बरतानवी सियासत में बरतरी मजबूत हो गई। इकोनॉमिक चेंजेस के अंदर क्या थे, इतिहाद ने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान तजारत को फ़रोग दिया, जिसके नतीजे में स्कॉटलैंड की मईशत में तरक्की हुई। सो स्कॉटिश संतों को इंग्लिश मंडियों की बड़ी ज़रूरत के मुताबिक खुद को ढालना पड़ा। कल्चरल इम्प्लिकेशंस क्या थे, इतिहाद ने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान तजारत को फ़रोग दिया, जिसके नतीजे में स्कॉटलैंड के मईशत में तरक्की हुई, और स्कॉटिश संतों को अगले इंग्लिश मंडियों की बड़ी ज़रूरत के मुताबिक खुद को ढालना पड़ा। इसके बाद हम देखते हैं लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को, कि एक्ट ऑफ यूनियन ने स्कॉटिश शनाख्त और सकाफत के बारे में जो जन डिस्कशन थी उनको बढ़ा दिया था। तो बाकी अफराद ने महसूस किया कि ये इससे उनकी कौमी शनाख्त को ख़तरा लाख है, तो जिससे सकाफत तनाजात पैदा हुए जो वक्त के साथ साथ बरकरार रहे। और इसके अलावा एक्ट ऑफ यूनियन स्कॉट ने मुस्तकबिल की सियासी तहरीकों के लिए इसने राह हमवार की, जिनमें से खुद मुख्तारी और ज्यादा आज़ादी के मुतालबात जो थे वो 20वीं और 21वीं सदी में दोबारा उभर कर सामने आए। तो 1707 का जो एक्ट ऑफ यूनियन है इसने सियासी और आइनी वजूहात के ऊपर ये मबनी था, जिसका मकसद क्या था, इस्तेहकाम,
इसके अलावा मुआशी तरक्की और बेहतर हुक्मरानी। तो इसके जो नताइज थे, यानी इसने बरतानिया के सियासी मंजरनामे को फिर से तश्कील दिया, एक मुतहदा रियासत कायम की, और जबकि स्काटिश जो थे वो कौमी शनाख्त और खुद मुख्तारी के डिस्कशन यानी कि मुबाइस में भी पैदा हुए, जो आज भी अहम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रोवाइड अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द काजेज ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द ब्रिटेन। यानी क्वेश्चन है कि पहली जंग अजीम के असबाब और बरतानिया पर उसके समाजी और इकतसादी असरात की तफसीली वजाहत। सो काजेज ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट, यानी पहली जंग अजीम के असबाब हम डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं कि पहली जंग अजीम, जिसे अजीम जंग भी कहा जाता है, ग्रेट वार भी कहा जाता है, तो ये 1914 में शुरू हुई थी और 1918 तक जारी रही थी, और ये तारीख की यानी कि बहुत ज़्यादा मुहलक तरीन जंगों में से थी, और इसके जो असबाब थे वो पेचीदा थे और आपस में जुड़े हुए थे। तो सियासी असबाब की बात करते हैं, जिसके अंदर हथियारों की दौड़ थी, यानी यूरोपीय ममालिक जो थे वो अपनी फौजी ताकत में भारी सरमायाकारी का काम कर रहे थे, ठीक है, और बड़ी अफवाज जो थी यानी बहरी बेड़ों की तैयारी में मसरूफ थे। तो इस फौजी ताकत के फरोग ने ममालिक के दरमियान मुकाबले को, इसके अलावा शकों को शुभात को बढ़ा दिया। ममालिक के पास जो यानी डिटेल्ड मिलिट्री प्लान्स थे, मसलन जर्मनी का शलेफन मंसूबा, जिसका मकसद जंग के लिए फौरी तैयारी थी, इससे सफारती हल फिर मुश्किल हो गए। इसके अलावा पेचीदा इतिहाद थे, यानी बड़े ताकतवर ममालिक ने अपनी हिफाजत के लिए इतिहाद बनाए, ट्रिपल अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली और ट्रिपल यानी कि एंटेंट था, जो कि ट्रिपल यानी एंटेंट के जो अंदर थे वो फ्रांस, रूस और बरतानिया थे, यानी ये ट्रिपल अलायंस था, और इस इतिहाद ने दो ममालिक के दरमियान जो तनाज़ा था जंग की, उसको यानी तेज़ी से बढ़ाया, और दूसरे ममालिक को भी शामिल करने का इसमें इसकी वजह से ख़तरा पैदा हो गया था। सो इन इतिहादों ने अदम एतमाद को और एक कंपटीशन की फिजा पैदा कर दी, इंक्रीजिंग द लाइकलीहुड ऑफ द वार, जिससे जंग का इम्कान बढ़ गया। अब इकोनॉमिक काजेज की बात करते हैं कि इकोनॉमिक वजूहत कौन सी थी। तो यूरोपीय ममालिक जो है वो दुनिया भर में, खासतौर पर अफ्रीका और एशिया के अंदर नौ आबादियात और वसायल के हसूल के लिए शदीद मुकाबले कर रहे थे। सो दिस कंपटीशन लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन। इसके अलावा इकोनॉमिक राइवलरीज, संतीन जो ताकतें थी, इंडस्ट्रियल पावर, ये अपने वसायल और मार्केट्स को महफूज बनाने के लिए अपने सल्तनतों को फैलाने की कोशिश कर रही थी, जिससे इकतसादी जो इकोनॉमिक राइवलरीज थी वो इसके अंदर यानी इजाफा हो गया। उसके बाद इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे कि ममालिक अपने जो इकतसादी मफादात थे उसको महफूज रखने के लिए तजारती रास्तों और वसायल के ऊपर तनाजात में उलझ गए। सो दिस इंक्रीज होस्टाइल्स अमंग द मेजर पावर्स, जिससे बड़े ताकतों के दरमियान दुश्मनी में इजाफा हुआ। अब हम इसके सामाजिक यानी के वजूहत को डिस्कस करते हैं। तो इसमें कौम परस्ती का अरूज एक फैक्टर शामिल है, यानी कौम परस्त की तहरीक जो है वो बहुत ज़्यादा तेज थी, तो इन ममालिक ने अपने मफादात को दूसरों के ऊपर तरजीह दी थी। फिर नस्ली गिरोह आज़ादी ज़्यादा ताकत के खां थे, जिससे खासतौर पर बिल्कुल के अंदर कशीदगी पैदा हुई। असैसिनेशन हुआ आर्च डेविक फ्रेडरिक का ऑस्ट्रिया, और इसके अलावा हंगरी के जो वली अहद थे आर्च डेविक फ्रेंड फ्रेडरिक को जून 1914 में एक सर्बियाई कौम परस्त ने कत्ल किया था, जिसने जंग के आगाज के लिए फौरी यानी मुहरक का काम किया था। सो यानी के असबाब के नतीजा क्या निकला, कि इतिहाद मिलिट्रीज़म साम्राज्यत कौम परस्ती के इम्तिजाज ने एक ऐसे गैर मुस्तहकम माहौल को पैदा किया, जिसने यानी जुलाई 1914 में पहली जंग अजीम के आगाज का सबब बना। सो अब हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वार फॉर ब्रिटेन, सोशल इफेक्ट्स एंड लॉस ऑफ द लाइफ कैजुअलिटीज, पहली जंग अजीम के बताने के ऊपर असरात क्या हुए, जानों का इसके अंदर नुकसान हुआ था। इस जंग में तकरीबन 9 लाख बरतानवी फौजियों की हलाकतें हुई थी, जिसका खानदानों और मुआशरों के ऊपर काफ़ी गहरा असर पड़ा था। सो बहुत से बच जाने वाले फौजियों को जिस्मानी और नफसियाती चोटों का भी सामना करना पड़ा था, जिसने उन्हें मुआशरती ज़िंदगी में दोबारा शामिल होने में मुश्किल उनके लिए पैदा की। देन चेंजेस इन जेंडर रोल्स, खवातीन के किरदार में तब्दीली आई, उन्होंने यानी खवातीन के वर्क फोर्स में शमूलियत हुई, कि मर्दों के फौज में शामिल होने के बाद
खवातीन ने फैक्ट्रियों, ट्रांसपोर्ट और बाकी सनतों में रवायती मर्दों के किरदार संभाले थे, तो इस तब्दीली ने मुआशरती नजरियात को खवातीन की सलाहियतों के बारे में बदल दिया था। इसके अलावा जंग के बाद बहुत सी खवातीन को रवायती किरदारों में वापस जाने की तरगीब दी गई थी, लेकिन जंग के तजुर्बात ने खवातीन के हकूक की तहरीकों की बुनियाद रख दी। इसके अलावा सोशल अनरेस्ट भी पैदा हुआ, यानी जंग के बाद इक्तसादी मुश्किलात और कीमतों में इजाफे हुआ, तो इसके नतीजे में हड़तालें हुई, एहतजाज हुए, क्योंकि मजदूर जो थे वो बेहतर उजरत चाहते थे, काम करने के हालात चाहते थे। सो जंग ने सियासी सरगर्मियों में यानी शिद्दत पैदा की थी, सोशलिज्म और मजदूर तहरीकों की हमायत में इजाफा हुआ था, फिर जिसने आने वाले दहाइयों में बड़े समाजी तब्दीलियों की राह हमवार की। इसके अलावा हम इक्तसादी असरात की बात करें तो इक्तसादी असरात थे, इक्तसादी दबाव था, बरतानिया ने जंग के दौरान भारी कर्जे लिए थे, तो जिसके नतीजे में अफरात-ए-ज़ार और इक्तसादी अदम इस्तेकाम पैदा हुआ था। सो इसके अलावा जिंदगी गुजारने की लागत में भी इजाफा हुआ और जिसने घरेलू मईशतों के ऊपर भी दबाव बढ़ा दिया। तो कई संतों को जो जंग के दौरान बड़ी थी, तो जंग के बाद मसाइल का सामना करना पड़ा था उनको, जिसके नतीजे में बेरोजगारी और इक्तसादी मुश्किलात भी बढ़ गईं। इसके अलावा तिजारत के अंदर भी तब्दीलियाँ आईं, यानी तिजारत के अंदर बहुत सारी चेंजेस आई थी, तिजारती रास्ते और तलुकात को जंग ने बहुत ज़्यादा यानी उनके हालात को ख़राब कर दिया था। बरतानिया ने दुनिया की सबसे बड़ी इक्तसादी ताकत की हैसियत खो दी थी, जबकि अमेरिका जो था इस तरह के मालिक ये उभर कर इस दौरान सामने आए थे। बरतानिया जो था वो खुराक और खाम माल के लिए दरामदाद के ऊपर ज़्यादा इंसार करने लगा था, तो जिसने उसके इक्तसादी खुद मुख्तारी के ऊपर असर डाला था। तो पहली जंग अजीम ने बरतानिया पर गहरे समाजी और इक्तसादी असरात मरतब किए। द लॉस ऑफ द लाइफ एंड चेंजेस इन जेंडर रोल रीशेप्ड सोसाइटी। जानी नुकसान और ख्वातीन के किरदार में तब्दीलियों ने मुआशरती स्ट्रक्चर को फिर से तब्दील किया, रीशेप किया। वाइल इकोनॉमिक चेंज एंड शिफ्ट्स इन द ट्रेड अल्टर्ड ब्रिटेन पोजीशन इन द ग्लोबल इकॉनमी। इक्तसादी दबाव और तिजारत में तब्दीलियों ने बरतानिया की आलमी मईशत में पोजीशन को मुतासर किया। सो जंग का जो वर्षा था वो बरतानिया मईशत और सियासत के ऊपर काफ़ी देर पा असरात छोड़ता रहा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एडवर्डियन एरा देन इंडिकेट द राइज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द लेबर मूवमेंट इन द एडवर्डियन एरा। तो एडर्न दौर क्या है और एडवर्डियन दौर में लेबर मूवमेंट के अरूज और अहमियत की वजाहत करें। सो एडवर्डियन जो दौर था इसको हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि एडवर्डियन दौर जो था वो बरतानी तारीख में वो वक्त है जो किंग एडवर्ड जो 7 की हुक्मरानी के साथ मुताबकत रखता है, यानी 1901 to 1910 तक। तो ये दौर बरतानिया में अहम समाजी, सियासी और सोसाइटी तब्दीलियों के साथ साथ सकाफती तरक्यात के लिहाज से भी अहम है। तो इस एडवर्डियन एरा के हम खसूसियात की बात करते हैं कि इसके अंदर कौन सी खसूसियात थी। तो इस दौर को एक सख्त यानी एक रिजिड क्लास सिस्टम की वजह से पहचाना जाता है, जिसके अंदर बालाई यानी अपर, मिडल और वर्किंग क्लास जो थी के तबके थे, जो इसके अंदर काफ़ी वाज फ़र्क था, और दरमियानी तबके के फैलाव के साथ समाजी तरक्की की राहें भी खुलने लगी थी। तो इस दौर में ख्वातीन के हक रायदाई के जो इब्तदाई यानी तहरीक थी वो शुरू हुई थी, और ख्वातीन ने अपने हकूक जिसके अंदर वोट का हक भी शामिल था उनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट है यानी इक्तसादी तरक्यात हैं। बरतानिया में इस दौर के दौरान बड़ी सनती तरक्की हुई, जिसकी वजह से शहरी इलाकों की आबादी में इजाफा हुआ, क्योंकि लोग काम के लिए शहरों का रुख कर रहे थे। तो फैक्ट्रियों और कारखानों में काम के हालात भी अक्सर ख़राब हो रहे थे, तो मजदूरों को यानी कि काफ़ी घंटे और काम करना पड़ता था, कम तनख्वाहों के ऊपर काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से मेहनत कशों में अदम इत्मीनान बढ़ता गया। सो इसके अलावा सकाफती तरक्की की अगर हम इस दौर की बात करें तो इसमें सकाफती तरक्की के लिहाज से अदब, आर्ट और थिएटर में काफ़ी पेशरफ्त हुई थी। सो इस दौर की सकाफत विक्टोरियन वर्से से मुतासर थी, लेकिन नए ख्याल को भी अपनाने की तरफ मायल थी। इसके अलावा लेबर मूवमेंट का इसके अंदर यानी कि इंट्रोडक्शन है कि लेबर मूवमेंट 19 सेंचुरी के आखिर और 20 सेंचुरी के आगाज़ में उभरी थी, जब मजदूर अपने हकूक और बेहतर काम के हालात और सियासी नुमाइंदगी के लिए मुनज़िम होने लगे थे। तो इस दौर में से इस तहरीक ने जोर पकड़ा था और अहमियत भी हासिल की।
सो लेबर मूवमेंट के उभरने की वजूहात क्या थी, क्यों लेबर मूवमेंट यानी कि राइज हुई, तो इसके हम असबाब की वजूहात को डिस्कस करते हैं। इसके हम सियासी यानी देखें यानी सनती इनकलाब के अंदर, इसके अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वर्किंग कंडीशन, उसमें हम देखें तो तेज़ रफ्तार सनती तरक्की ने यानी बहुत से मजदूरों के लिए जो ख़राब काम के हालात थे, कई घंटे काम करना और कम उजरत पैदा करना, इस तरह की तब्दीलियों को यानी तब्दीलियों ने इस इन हालात को बढ़ाया था। बहुत से मजदूरों ने यानी बेहतर उजरत के लिए और इसके अलावा काम के हालात के लिए इजतमाही सौदेबाजी करने के लिए ट्रेड यूनियन में शमूलियत इख्तियार की थी, तो जिसकी वजह से उनकी रुकनियत, उनकी मेम्बरशिप और उनका इन्फ्लुएंस इसके अंदर इजाफा हुआ। देन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो 1900 में लेबर नुमाइंदगी कमेटी का क्या अमल में आया था, जो 1906 में लेबर पार्टी बन गई और इससे मजदूरों के मफादात के लिए एक सियासी प्लेटफॉर्म फराम हुआ। और इसके अलावा सोशल रिफॉर्म्स किया थी कि लेबर हुकूमत ने कुछ समाजी असलाहत इंट्रोड्यूस करवाई, जिसकी वजह से मजदूर मजीद बेहतरी और ज्यादा से यानी सियासी नुमाइंदगी के लिए सरगर्म हुए। और उसके बाद हम इसके यानी इम्पैक्ट की बात करते हैं, सिग्निफिकेंस की बात करते हैं लेबर मूवमेंट की, तो नुमाइंदगी इससे मिली यानी लेबर ने पार्लियामेंट में नशिस्तें जीतना शुरू की और मेहनत कर जो तबका था उसके लिए यह नुमाइंदगी करते हुए उनके हकूक और उनके मफादात के लिए उसने आवाज़ उठाई। इसके अलावा इस तहरीक ने मुख्तलिफ कानून साजी असलाहत के ऊपर भी असर डाला, जिनमें काम के हालात थे, सेहत और तालीम से मुतल्लिक कवानीन शामिल थे। इसके अलावा इसमें मजदूरों को बाख्तियार बनाया गया, कलेक्टिव बारगेनिंग, ट्रेड यूनियन बिकेम स्ट्रॉन्गर अलाउंग वर्कर्स टू नेगोशिएट बेटर वेजेस एंड कंडीशंस थ्रू कलेक्टिव एक्शन, यानी इजतमाही सौदेबाजी की गई, ट्रेड यूनियन मजबूत हो गए जिससे मजदूरों को इजतमाही तौर पर बेहतर उजरत मिली और काम के हालात हालात के लिए मुज़ाकरात करने का मौका मिला। सॉलिडेरिटी एंड यूनिटी, लेबर मूवमेंट ने मजदूरों में यकजहती का एहसास पैदा किया, जिसकी वजह से ज़्यादा मुनज़्ज़म और यानी एहतजाजी कार्रवाइयाँ हुई, जिनमें हड़तालें और एहतजाज भी शामिल थे। सो द एडवर्टन एरा वॉज अ टाइम ऑफ सिग्निफिकेंट सोशल पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंज इन ब्रिटेन। द राइज ऑफ द लेबर मूवमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज क्रूशल फॉर एडवोकेटिंग फॉर वर्कर्स राइट्स एंड पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, शेपिंग द फ्यूचर ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी। द मूवमेंट लेगेसी कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस लेबर राइट्स एंड सोशल पॉलिसीज टूडे। तो एडवर्ड दौर बरतानिया में समाजी, सियासी और इक्तसादी तब्दीलियों का यह दौर था। इस दौर में लेबर मूवमेंट का अरूज मजदूरों के हकूक और सियासी नुमाइंदगी के लिए इंतहाई अहम साबित हुआ था और इसने बरतानवी माशरे के मुस्तकबिल की तश्कील में किरदार अदा किया। इस तहरीक का असर जो था वो आज भी मजदूरों के हकूक और समाजी पॉलिसियों के ऊपर दिखाई देता है। तो सेक्शन बी में हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द फॉकलैंड आइलैंड्स कॉन्फ्लिक्ट्स, व्हाई डिड द ब्रिटिश इन्वेड द फॉकलैंड आइलैंड्स एंड हाउ दिस वार केम टू एन एंड। फॉकलैंड जज़ायर का तनाज़ा क्या था, बरतानवी फौज ने फॉकलैंड जज़ायर पर क्यों हमला किया और यह जंग कैसे खत्म हुई। सो फॉकलैंड आइलैंड्स कॉन्फ्लिक्ट क्या था, सबसे पहले हम इसका तारुफ डिस्कस करते हैं कि फॉकलैंड जज़ायर का तनाज़ा जो था, जिसे फॉकलैंड यानी फॉकलैंड जंग भी कहते हैं, तो ये 1982 में अर्जेंटाइन और बरतानिया के दरमियान फॉकलैंड जज़ायर के ऊपर हुआ था। ये जज़ायर जनूबी बहर कानूस में ये वाक़ हैं यानी साउथ अटलांटिक ओशन के अंदर, और ये जज़ायर जनूबी इस और जो बहर कानूस के अंदर हैं, इस तनाज़े में दोनों ममालिक के दरमियान जो अस्करी झड़पें थी और सियासी कशीदगी थी इसके अंदर शामिल थी। अब हम बैकग्राउंड की बात करते हैं कि इसमें इलाकाई तनाज़ा है, यानी तारीखी दावे किए जाते हैं फॉकलैंड जज़ायर जिन्हें बरतानिया फॉकलैंड अर्जेंटाइन इसे इसलास वालोवेनस कहता है, तो ये 19वीं सेंचुरी से तनाज़े की वजह बना था। अर्जेंटाइन ने अपनी तारीखी वाबस्तगी की बुनियाद के ऊपर इस खुद मुख्तारी का इसके ऊपर दावा किया, जबकि बरतानिया 1833 से इन जज़ायर के ऊपर कंट्रोल रखता आया है। फिर नेशनल आइडेंटिटी है कि दोनों ममालिक के लिए यह जज़ायर कौमी तशख़्स का अहम हिस्सा थे और अर्जेंटाइन के लिए इन जज़ायर की वापसी कौमी वक़ार का मसला था। अब हम इनके रीजंस की बात करते हैं ब्रिटिश इन्वेजन की, कि जिसमें अर्जेंटाइन का हमला है 2 अप्रैल 1982 को अर्जेंटाइन की फ़ौज ने फॉकलैंड जज़ायर के ऊपर हमला किया और इस फौरी तौर पर इसको पर कब्ज़ा कर लिया। फिर अर्जेंटाइन इस अमल के ज़रिए जज़ायर के ऊपर अपनी खुद मुख्तारी को मजबूत बनाना चाहता था। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इसका क्या है कि अर्जेंटाइन की फौजी हुकूमत अंदरूनी मसाइल और मुआशी बदहाली का सामना कर रही थी,
इसलिए हुकूमत ने इस हमले को अवामी हमायत हासिल करने और अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल किया। अब हम डिस्कस करते हैं उस बरतानिया के रद्द अमल को। बरतानवी हुकूमत जिसकी क्यादत उस वक्त के वजीर आजम मार्गरेट थेचर कर रही थी, इसने उस हमले को बरतानवी खुद मुख्तार के खिलाफ समझा। वो जजायर को वापस हासिल करने के लिए भी और वहां रहने वाले बरतानवी शहरों की हिफाजत करने के लिए भी पुरअज़म थे। और इसके अलावा ये हमले के बाद बरतानिया ने फौरी तौर पर एक बहरी बेड़ा भेजा था ताकि जजायर को दोबारा हासिल किया जा सके। सो अर्जेंटाइन की जहरियत का ये फैसला कौन जवाब था। देन कोर्स ऑफ द वॉर, यानी जंग का मंजरनामा, अस्करी झड़पें थी इसके अंदर, बहरी और जमीनी कार्रवाइयाँ की गई। इस तनाजे में शदीद बहरी जंग और जमीनी लड़ाइयाँ शामिल थी। बरतानिया फौज को जजायर के ऊपर मौजूद अर्जेंटाइन की फौज से मुकाबला करना पड़ा, जिसके दौरान दोनों तरफ के फौजियों की बड़ी तादाद में हलाकतें हुई थी। और अहम मार्कों में अर्जेंटाइन के जो जंगी जहाज थे ए जनरल, इसके अलावा जनरल हेलग्रानो की तबाही और इसके अलावा पोर्ट सेंडले जैसे अहम इलाके थे, इनका इसके अंदर कब्जा शामिल था। तो जजायर की वापसी हुई 14 जून 1982 तक। बरतानिया फौज ने कामयाबी से फॉकलैंड जजायर का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया। अर्जेंटाइन की फौज ने हथियार डाल दिए, जिसके साथ ये फौजी तनाजा खत्म हो गया। फिर इस जंग के नतीजे में तकरीबन 649 अर्जेंटाइनी फौजी और 255 बरतानवी फौजी, 3 फॉकलैंड जजायर के शहरी हलाक हो गए थे। सो बाद के नतज के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो इस तनाजे के अर्जेंटाइन के ऊपर गहरे सियासी असरात थे, जिसके नतीजे में फौजी हुकूमत का खात्मा हुआ और जमहूरी हुकूमत की बहाली भी अमल में आई। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म अगर हम टेंशन देखें तो बरतानिया ने जजायर पर अपना कंट्रोल बरकरार रखा था, लेकिन इन जजायर की खुद मुख्तारी का मसला जो है वो आज भी अर्जेंटाइन और बरतानिया के दरमियान एक तनाजे का बायस है। तो फॉकलैंड जजायर का तनाजा एक अहम अस्करी मरका था जो इलाकाई दावों और कौमी वकार के तनाजर में हुआ था। सो बरतानवी हमला और अर्जेंटाइन की जहरियत का जवाब था, जिसके नतीजे में एक मुख्तसर लेकिन फैसला कुन जंग लड़ी गई थी जो बरतानवी फतह पर खत्म हुई थी और दोनों ममालिक के दरमियान देर पर सियासी नतायज छोड़ गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन कॉमन मार्केट एंड यूरोपियन यूनियन, आल्सो हाईलाइट इट्स इंपैक्ट ऑन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटेन। यूरोपीय मुश्तरका मार्केट और यूरोपीय यूनियन की तश्कील में बरतानिया का क्या किरदार रहा, और बरतानवी खारजा पॉलिसी पर इसके असरात को भी हाईलाइट करें। तो इसमें हम देखते हैं कि यूरोपीय मुश्तरका मार्केट और यूरोपीय यूनियन की तश्कील में बरतानिया का क्या किरदार रहा। सो लेट्स डिस्कस। इसमें यूरोपीय मुश्तरका मार्केट जो है और यूरोपीय यूनियन है वो अहम सियासी और इक़्तिसादी तंजीमें हैं, यानी बरतानिया ने इनकी तरक्की में अहम किरदार अदा किया, जिसने तिजारत, सियासत और बैन अक्वामी ताल्लुकात के ऊपर गहरे असरात मुरतब किए। सो फार्मेशन ऑफ द यूरोपियन कॉमन मार्केट, इसका बैकग्राउंड क्या है कि जो रोम मुआहदा हुआ था 1957 में, यूरोपीय इक़्तिसादी जो कम्युनिटीज़ हैं EEC, आमतौर पर उसको मुश्तरका मार्केट यानी कॉमन मार्केट भी कहते हैं, तो 1957 में रोम मुआहदे के जरिए ये कायम की गई थी। इसके बानी अराकीन में बेल्जियम है, फ्रांस है, इटली है, और इसके अलावा इसमें लक्सबर्ग और नेदरलैंड्स हैं, इसके अलावा मगरबी जर्मनी भी इसके अंदर शामिल है। तो मुश्तरका मार्केट का मकसद इक़्तिसादी तआवुन को फ़रोग देना है, इसके अलावा तजारती रुकावटों को ख़त्म करना और रुकन मुल्कों के दरमियान एक मुश्तरका मार्केट बनाना। बरतानिया के इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो इब्तदा में बरतानिया मुश्तरका मार्केट में शामिल होने में हिचकिचाहट का शिकार था, क्योंकि वो दौलत मुश्तरका पर तवज्जो उसने दी हुई थी और अपने खुद मुख्तारी खोने के वो खदशात रखता था। फिर उसने शमूलियत की दरख्वास्त दी 1961 में, बरतानिया ने मुश्तरका मार्केट में शामिल होने के लिए दरख्वास्त दी थी। सो लेकिन फ्रांसीसी सदर चार्ल्स डी गॉल ने इसकी दरख्वास्त को वीटो कर दिया था और मुश्तरका मार्केट में शमूलियत फिर उनको मिली, यानी कि कामयाब दाखिला उनका हुआ था 1973 के अंदर। बरतानिया 1 जनवरी 1973 को मुश्तरका मार्केट का हिस्सा बन गया था, और साथ ही आयरलैंड और डेनमार्क भी शामिल हुए थे, जिससे यूरोपीय जो इंटीग्रेशन थी उसकी जानब ये एक अहम कदम था। फिर इसके सादी फवाद क्या थे, इस रुकनियत ने बरतानवी कारोबारों को बड़े यूरोपीय बाजार तक रसाई दी, जिससे तजारत और सरमाकारी में इजाफा हुआ। फार्मेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन, तो इसके अंदर जो मास्टिक ट्रेटी मुहिदा था यानी यूरोपियन यूनियन की बुनियाद इसने रखी थी 1992 में,
जिसने तिजारत से हटकर सियासत, दिफा और समाजी पॉलिसियों में तामन को बढ़ाया था। सिंगल करेंसी, इस मुआहदे ने यूरो की राह हमवार की थी, लेकिन बरतानिया ने यूरो अपनाने से इनकार कर दिया था। बरतानवी पाउंड इस्तेमाल करता रहा। फिर यूरोपीय यूनियन में बरतानवी, अगर हम असर रसूख की बात करते हैं तो बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन की पॉलिसियों को तश्कील देने में बहुत अहम किरदार अदा किया है, खासतौर पर तजारत के जवाबित मालियाती मेयारात में मुश्तरक बाजार में जो है वो उन्होंने डिस्कशन में बाईसों में हिस्सा लिया। सो इसके बाद जो इसके अंदर यानी के यूरोपियन ओरिएंटेशन है, जिसने मार्केट ज्वाइन की, यूरोपियन शिफ्टेड बेरिटन फॉरेन पॉलिसी फोकस टू यूरोप एम्फसाइजिंग कोऑपरेशन विद यूरोपियन पार्टनर्स, यानी के खारजा पॉलिसी के ऊपर जो इसके असरात थे कि मुश्तरका मार्केट और बाद में यूरोपियन यूनियन में शामिल होने से बरतानिया की खारजा पॉलिसी का मरकज यूरोप की तरफ मुंतकिल हुआ था, तो जिसमें यूरोपीय शराकत दारों के साथ तावन के ऊपर जोर दिया गया और इसके अलावा मफादात का तवाजन था, यानी बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात को बैलेंस बरकरार रखने की कोशिश की स्पेशल रिलेशनशिप के जरिए। अमरीका से करीबी ताल्लुकात बरकरार रखे, जबकि यूरोपीय मामलों में भी उनकी शिरकत जारी रही थी। इसके अलावा उनमें तजारती ताल्लुकात को अगर हम डिस्कस करते हैं तो यूरोपीय यूनियन का रुकन होने की वजह से बरतानिया को दूसरे ममालिक के साथ बड़े ब्लॉक की हैसियत से तजारती मुआहदे करने का मौका मिला था, सो जिसकी वजह से उसके आलमी इक्तसादी की हैसियत को तकवीत मिली थी और बरतानवी मीशत जो थी वो यूरोपीय मार्केट के साथ ज़्यादा यानी जुड़ गई थी, और जिसका असर उसके तजारती पॉलिसियों और इक्तसादी हिकमत अमले के ऊपर भी था। चैलेंजेस और कशीदगियों का सामना करना पड़ा। यूरोपीय यूनियन में शिरकत ने कौमी खुद मुख्तारी के बारे में खदशात को जन्म दिया, सो जिससे बरतानिया के अंदर ये डिबेट्स होती रही कि ब्रसल्स और लंदन के दरमियान इख्तियारात का जो बैलेंस है वो किस तरह से बरकरार रखा जाए। सो वक्त गुजरने के साथ बरतानिया में कुछ सियासी धड़े थे जो यूरोपीय यूनियन के असरात के बारे में शुकूक व शुबात का शिकार हो गए थे, सो जिसके नतीजे में 2016 के ब्रेग्जिट रेफरेंडम की सूरत में इसका नतीजा निकला था। तो बरतानिया ने यूरोपीय मुश्तरक मार्केट और यूरोपीय यूनियन की तश्कील में अहम किरदार अदा किया था और इसकी रुकनियत इक्तसादी और सियासी फायदे इसने हासिल किया अपनी रुकनियत से, और इस शमूलियत ने, इस इन्वॉल्वमेंट ने बरतानिया की खारजा पॉलिसी पर भी असरात मुरतब किए, जिसके नतीजे में यूरोप की तरफ ज्यादा झुकाव पैदा हुआ और खुद मुख्तारी के मसाइल पर भी इसने भी जन्म लिया। सो इन कशीदगियों ने फिर 2020 के अंदर यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के फैसले में अहम किरदार अदा किया, रिमार्किंग अ न्यू चैप्टर इन ब्रिटेन इंटरनेशनल रिलेशंस। सो बरतानवी बैन अक्वामी तालुकात में एक नए दौर का ये आगाज था। सो लास्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि व्हाट वर द साइलेंट फीचर्स ऑफ टोनी ब्लेयर पॉलिसी ऑन द वार ऑन टेरर, हाउ डिड हिज पॉलिसी इफेक्ट द यूएस ब्रिटेन रिलेशंस। क्वेश्चन है कि टोनी ब्लेयर की वार ऑन टेरर पर पॉलिसी के नुमाया खसूसियात क्या थी और उनकी पॉलिसी ने अमरीका बरतानिया तालुकात के ऊपर क्या असर डाले। सो हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। अमरीका 11 सितंबर 2001 को अमरीका में होने वाले दहशतगर्दाना हमलों के बाद वार ऑन टेरर कई ममालिक के अंदर, जिसमें बरतानिया भी शामिल था, उसके मरकजी तवज्जो का ये मौजू बन गया था। वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर की पॉलिसियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क और आलमी सतह के ऊपर जंग करने के लिए तरतीब दी गई थी। अब हम उनके साइलेंट फीचर्स की बात करते हैं कि खसूसियात क्या थी। अमरीका के साथ इतिहाद, टोनी ब्लेयर सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के पुख्ता हामी थे और वो यकीन रखते थे कि दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में बरतानिया को अमरीका के साथ खड़े रहना चाहिए। फिर फौजी मदाखलत हुई, यानी ब्लेयर ने अफगानिस्तान में फौजी कार्रवाइयों की हमायत की ताकि तालिबान की हुकूमत को ख़त्म किया जा सके और 9/11 के हमलों के जो जिम्मेदार अलकायदा थी उसके अरकान को निशाना बनाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने कसीरुल जहती के ऊपर एम्फसाइज किया, यानी ब्लेयर ने कसीरुल जहती का जो नुक्ता नज़र था उसकी हमायत की और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नेटो और बाकी जो बैन अक्वामी तंजीमें थीं उनके साथ तावन की हौसला अफजाई की, और इसके अलावा उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जो आलमी हिकमत अमली थी, ग्लोबल यानी कि स्ट्रेटजी थी दहशतगर्दी के खिलाफ, तो इसमें अक्वामे मुत्तहिदा को शामिल करने की कोशिश की, और इसके अलावा बैन अक्वामी इत्तेफाक राय की ज़रूरत के ऊपर भी जोर दिया। दाखिली सिक्योरिटी के उन्होंने इकदाम किए, यानी टोनी ब्लेयर की हुकूमत ने बरतानिया में दहशतगर्दाना हमलों को रोकने के लिए इंटेलिजेंस की खिदमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए फंडिंग में इजाफा किया, और इसके अलावा दहशतगर्दी के खिलाफ कानून बनाए। उन्होंने घरेलू दहशतगर्दी से निपटने के लिए नए कानून उन्होंने यानी मुतारिफ कराए,
जिसमें 2005 का यानी इसके अंदर एक्ट था, 2005 का यानी प्रिवेंटेशन ऑफ टेररिज्म एक्ट था, जिससे जो दहशतगर्दी थी उसके खिलाफ जो कंट्रोल ऑर्डर्स की ये इजाजत देता था। सो उसके बाद हम देखते हैं कि दहशतगर्दी के यानी जो वजूहत थी उनका हल किस तरह से निकाला गया, फोकस ऑन रूट काजेज। तो ब्लेयर ने दहशतगर्दी की जड़ों जैसे कि गुर्बत और सियासी अदम इस्तेकाम खासतौर पर मशरक़ वस्ता में इसको हल करने की अहमियत के ऊपर जोर दिया। फिर तरक्याती इमदाद दी, उनकी पॉलिसी में इन ममालिक के लिए तरक्याती इमदाद में इजाफा किया जो दहशतगर्दी के फैलाव के मरकज समझे जाते थे, ताकि स्टेबिलिटी और जमहूरी हुकूमत को फ़रोग दिया जा सके। फिर हम देखते हैं कि अमरीका और बरतानिया के ताल्लुकात, जो कि हमारे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, यानी खसूसी ताल्लुक को मजबूत किया गया जो बरतानिया और अमेरिका के दरमियान था, स्पेशल रिलेशनशिप। यानी टोनी ब्लेयर की पॉलिसियों ने बरतानिया और अमरीका के दरमियान जो करीबी सियासी तावन था उसको बढ़ाया, उसको प्रमोट किया, और बरतानिया को अक्सर यूरोप में अमेरिका का जो करीब तरीन इतिहादी समझा जाता था। फिर मुश्तरक फौजी ऑपरेशन किए गए, बरतानिया ने अमरीका के साथ मुख्तलिफ फौजी ऑपरेशन में हिस्सा लिया जिसने मुश्तरक इकदार और हदाफ के ऊपर जो मबनी थे स्पेशल रिलेशनशिप उनको मजीद तकविया दी। देन पब्लिक सपोर्ट एंड क्रिटिसिज्म, कुछ लोग ब्लेयर की दहशतगर्दी पर मौकफ की हमायत करते थे, और जबकि बाकी अमरीका के साथ उनके जो करीबी वाबस्तगी थी, खासतौर पर 2003 के जो यानी कि इराक जंग के हवाले से, उसके ऊपर तनकीद का उनको निशाना बनाया गया। फिर प्रोटेस्ट और इसके अलावा अपोजिशन हुई, यानी इराक जंग के खिलाफ बरतानिया में बड़े अवामी मुजाहरे हुए थे जिससे ब्लेयर की मकबूलियत में कमी और उनकी पार्टी के अंदर भी तकसीम पैदा हुई थी। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स थे कि यानी उनकी जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप थी, टोनी ब्लेयर की पॉलिसी ने सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के मामलों के ऊपर अमरीका और बरतानिया के दरमियान स्ट्रेटजिक तावन के लिए एक मिसाल कायम की। और इसके अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग थी, दोनों ममालिक के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग के मुआहदे मजबूत हो गए, खासतौर पर इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों के ऊपर तवज्जो देते हुए। इसके अलावा उनको यानी वार ऑन टेरर की का वर्षा था कि हर जो पॉलिसी के अंदर चैलेंजेस का सामना था, यानी टोनी ब्लेयर के दौर में वार ऑन टेरर के हवाले से किए गए फैसले जो थे वो बरतानवी खारजा पॉलिसी और इसके अलावा मिडल ईस्ट के साथ ताल्लुकात पर असरअंदाज होते रहे। इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल परसेप्शन, तो इसमें जो वार ऑन टेरर में अमरीका की साख्त हमायत थी उसने बरतानिया के आलमी तशखस के ऊपर, उसके ग्लोबल इमेज के ऊपर असर डाला, और उसे अक्सरियती अमरीकी फौज मदाखलत के हामी के तौर पर देखा गया। सो टोनी ब्लेयर की वार ऑन टेरर पॉलिसी को अमरीका की मजबूत हमायत हासिल थी, कसीर उल जहती तावन के ऊपर जोर दिया गया, दाखिली सिक्योरिटी को बेहतर बनाने की कोशिशों से इस दौर को पहचाना जाता है। सो वाइल हिज अप्रोच स्ट्रेंथन यूएस ब्रिटेन रिलेशन एस्टेब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर कोलैबोरेशन इन काउंटर टेररिज्म, इट आल्सो फेस सिग्निफिकेंट पब्लिक सिक्योरिटी एंड हैड लास्टिंग इंप्लिकेशन फॉर ब्रिटेन फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रेपुटेशन। उनका नुकता नजर अमरीका बरतानिया ताल्लुकात को मजीद स्टेबल करना था, इंसदादी दहशतगर्दी के तावन के लिए एक फ्रेमवर्क कायम करने में यह मददगार साबित हुआ था, ठीक है। लेकिन इसने अवामी सतह पर जो तनकीद का सामना किया और बरतानवी खारजा पॉलिसी और बैन अक्वामी इसाक के ऊपर भी इसने देर पर असरात छोड़े। सो ब्रिटिश हिस्ट्री के पास पेपर जो 2021 है उसके हम 7 क्वेश्चन को हमने 1 by 1 डिस्कस किया है। सो इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।